तो जो आप लोग का जेई मेन में आपको 32 मैथ क्वेश्चंस आता है, 32 आपका केमिस्ट्री आता है, 32 आपका फिजिक्स आता है। ओके, तो केमिस्ट्री आपका पूरा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। ओके, इसमें से लगभग आपको 22 ऐसे करना है। ओके, और जो भी करना है सही करना है। ओके, पहला केमिस्ट्री करना है आपको। ओके, नेक्स्ट बात है आपका फिजिक्स अच्छा होता है फिजिक्स कीजिए, मैथ अच्छा होता है तो मैथ कीजिए। ओके, अगर आपको फिजिक्स अच्छा होता है फिजिक्स कीजिए और मैथ अच्छा होता है तो मैथ कीजिए। ओके, मैथ में भी ज़्यादा नहीं, आप लोग 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सही बात है। ओके, 10 × 4 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वही क्वेश्चन करना है, जैसे कि इजी आप लोग का स्टैटिस्टिक्स हो, आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग हो, या हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन हो। ओके, ये आपका 40। ओके, एक्चुअली 120 में आपका जेई मेन क्वालिफाई हो सकते हैं। ओके, 120 अबव, जनरल बच्चों का 120 अबव में आ सकता है। फिजिक्स में भी आप 10 भी करने से भी चलेगा। ओके, ठीक है, लेकिन गलत नहीं होना है, माइनस मार्किंग होता है, एक गलत में आपका -1 हो जाता है। ओके, और ज़्यादा अटेम्प्ट भी करना नहीं है आपको, ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे आपका ज़्यादा माइनस आ जाएगा, तो आप जितना अटेम्प्ट करते हैं परफेक्ट करना है और सही करना है। ठीक है, तो आपका जनरल बच्चों का 120 अबव होने से आपका जेई मेन क्वालिफाई हो जाते हैं। जो ओबीसी कोटा है, जो बच्चे ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं किए हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट बना लीजिए। ओके, ओबीसी सर्टिफिकेट बना लीजिए, आपको हेल्प होगा। 80% अबव होने आपका जेई मेन और नीट में हेल्प होगा। ओके, 80% 80 अबव रखने से आपका जेई मेन ओबीसी बच्चे कर सकते हैं। ओके, और जो एस सी एस टी कोटा जो है उनका 60+ या 40 या 50+ में उनका मिल जा रहा है, 50+ स्कोर करने से उन लोग का जेई मेन हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये मत मानना कि पूरा बच्चे, बहुत सारे बच्चे अपना मन इच्छा मार लेते हैं तो उनका माइनस में आ जाता है रिजल्ट, उनका माइनस में आ जाता है। ओके, तो चलिए, आप लोग का सभी क्वेश्चन नहीं करना, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग का एग्जाम में करना है। ओके, जितना 12th आप जानते हैं वो भी करना, और थोड़ा 11th का इजी कुछ चैप्टर्स करना है। चलिए, यहाँ पर बोल रहे द मीन ऑफ द डाटा, मीन सभी को पता है बच्चों, एवरेज जिसे कहते हैं, मीन कैसा होता है, हाँ, x1+x2+x3। ओके, ये एवरेज होता है। ओके, xn बाय कितना आपका, ओके, बाय आपका n, और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं समेशन ऑफ fi xi बाय आपका डायरेक्ट मेथड समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ आई। ओके, ठीक है, ये आपका मीन होता है। ओके, जनरली एवरेज का पर ही क्वेश्चन आता है। ओके, तो मीन ऑफ द डाटा कॉम्प्राइजिंग ऑफ द 16 ऑब्जर्वेशन है, आपका एन आपका 16 है। ओके, 16 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आपका यहाँ पर जो डाटा था आपका एक्स 16 ऑब्जर्वेशन था, x1+x2+x3। ओके, अप टू x16। ओके, तो बोल रहा है कि द मीन ऑफ द डाटा कंप्राइजिंग ऑफ द 16 ऑब्जर्वेशन, हाँ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16, इनका मीन दो दे दिया है 16 दे दिया है, यहाँ पर मीन इसका गिवन है कितना 16, 16 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है 16 दिया है। ठीक है, इफ वन ऑब्जर्वेशन इज वैल्यूड 16 इज डिलीटेड। ओके, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन जो है जिसका वैल्यू 16 वो डिलीट किया गया है, अगेन 3 न्यू ऑब्जर्वेशन 3, 4, 5 आर एडेड। ओके, देन व्हाट इज द मीन ऑफ द रिजल्टेंट डाटा। ओके, जो 16 एक तो जो डाटा को डिलीट करना है, फिर 3 तो न्यू 3, 4, 5 इसको ऐड करके जो न्यू मीन क्या है हमें बोलना है। तो बच्चों देखिए, हम इसमें से कोई एक तो 16 है जिसका वैल्यू 16 है, तो सपोज यहाँ मैं x15 कर लेता हूँ, सपोज ये लास्ट वाला वैल्यू है 16, कोई भी है लास्ट वाला वैल्यू 16 है, एक ऑब्जर्वेशन जो है 16 को डिलीट करना है। ओके, उसको उड़ा देना है, और 3 न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड करने के बाद न्यू मीन कितना होता है हमें बोलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सपोज ये लास्ट वाला का जो है ऑब्जर्वेशन उसका वैल्यू 16 है, तो आपका यहाँ पर क्या आ रहा है x1+x2+x3 ऑफ x15, ये डिवाइड 16 क्या होता है 16 × 16 माइनस कितना, ये +16 उधर ले लीजिए। ओके, तो बच्चों ये आपका जो बाकी 15 तो ऑब्जर्वेशन का सम जो है कितना आ रहा है, 16 का स्क्वायर कितना, मेरे बच्चों 16 का स्क्वायर बोलिए, अरे कुछ बोलते नहीं हो बच्चों, 256 है तो
यानी आपका कितना आ रहा है 242। ठीक है, ये आपका सम ऑफ द 15 ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन 16 जिसका वैल्यू 16 हम उसको डिलीट कर दिए तो बाकी 15 ऑब्जर्वेशन का वैल्यू इतना है। अभी ये बाकी 15 ऑब्जर्वेशन में तीन ऑब्जर्वेशन जिसका वैल्यू है 345 ऐड किया गया। ओके, ये जो 15 ऑब्जर्वेशन था, ओके 15 ऑब्जर्वेशन था उसमें से तीन ये वहाँ, एक तो वैल्यू जिसका 16 था उसको डिलीट कर दिया हम, एक का वैल्यू जो 16 था उसको हम डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद ये 16 हमको डिलीट कर दिया और बाकी 15 ऑब्जर्वेशन रहा, इसमें से तीन न्यू वैल्यू ऐड किया गया। क्या ऐड किया? 345। ओके, तीन न्यू वैल्यू ऐड किया गया। ओके, ऐड करने के बाद उसका बोल रहा है कि न्यू मीन कितना होता है। ओके, अभी कितना ऑब्जर्वेशन हो गया बोलिए, हमें न्यू मीन चाहिए 18। हाँ, हमें न्यू मीन चाहिए। ओके, तो हमारा ये कितना ऑब्जर्वेशन, 18 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों देखिए हमारा इसका ये अभी 18 हो गया, 15 ये 3 18 हो गया। प्यारे बच्चों हम इसका ऑलरेडी वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। कितना पता है देखिए, कितना है इसका वैल्यू, कितना है 240। ओके, 240 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 18। आप बोलिए क्या न्यू मीन आता है। ओके, आप खुद बोलिए क्या न्यू मीन आता है, आप खुद कैलकुलेट कीजिए बच्चों। सर ऑप्शन डी होगा। कितना आया टोटल, 240 14 245 अगेन प्लस 4 2 टोटल कितना आ रहा, टोटल ऐड किए कितना 252। यस सर। 18 से डिवाइड किए, 18 से कितना आ रहा है 14 14 आ रहा है। श्योर? यस सर। ओके, तो ऑप्शन डी आपको। ओके, ये बच्चों इजी था, सभी के लिए इजी था बच्चों, ये मेन का ऊपर क्वेश्चन था। ओके, तो बच्चों ये आप लोग का स्टैटिस्टिक का ये इजी क्वेश्चन थोड़ा डालता है, इसीलिए जेई मेन का ये मिस नहीं करना चाहिए। ओके, हम लोग का बच्चों जो वेरिएंस, वेरिएंस जो है फॉर्मूला जो है वेरिएंस का फॉर्मूला। ओके, इसका डेल्टा बोला जाता है, डेल्टा स्क्वायर। ओके, स्मॉल डेल्टा। ओके, ये इसका फॉर्मूला है, ये समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। ओके, ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। ओके, ये आपका किसका फॉर्मूला है, आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। ओके, अगर इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है। ओके, तो बच्चों ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स इसका रूट हो जाता है। ओके, ये स्मॉल डेल्टा होता है, उसका स्क्वायर रूट हो जाता है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। ओके, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों कहते हैं। ओके, इसका और एक भी फॉर्मूला है जो कि इसको पूरा टोटल सिंप्लीफाइड होके हुआ है। ओके, ये फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिए, और एक भी फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है। ओके, और एक फॉर्मूला भी है उसका, देखिए। तो पहला डालिए हमारा क्या होता है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर डालिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, दैट इज एक्स आई इंटू एक्स बार बाय क्या एन। बच्चों में यहाँ पर कुछ नहीं किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर समेशन को बाहर रखा। ओके, ठीक है। तो बच्चों हमारा क्या ना, सपोज ये ट्वाइस ऑफ सपोज एक्स आई का पावर, सपोज ये द्वारा ये इसका समेशन जब रहता है बच्चों, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ओके, कांस्टेंट बाहर आता है और ये समेशन ऑफ सिर्फ एक्स आई का होता है। एक बात ध्यान रखिए, जब समेशन ये होता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ एक्स आई का ही तुम्हारा, इस वेरिएबल का ही तुम्हारा समेशन होता है। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर बच्चों सेम थिंग, जो कांस्टेंट उसको बाहर रखेंगे। ओके, तो ये बच्चों एक्स आई एक तो वेरिएबल है इसका। ओके,
ये समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर आएगा। ओके बच्चों, एक्स बार एक तो कांस्टेंट होता है, कोई भी एक्स बार का वैल्यू 5 की 6 के हिसाब होता है एवरेज का वैल्यू। ये कांस्टेंट जब होता है तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं बच्चों। ये फिर से आप लोग को 11th क्लास में जब पढ़ाते टाइम फिर से ये सब पढ़ाया जाएगा। ओके ये एक्स बार एक तो कांस्टेंट है बच्चों, इसको बाहर रख दीजिए। ओके इसको बाहर रख दीजिए और यहाँ पर कुछ नहीं तो ये समेशन ऑफ, ओके समेशन ऑफ 1 कर लीजिए। एक्स बार एक तो कांस्टेंट है, ओके तो कुछ नहीं तो इसका यहाँ पर समेशन ऑफ 1 कर लीजिए। ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर को बाहर रख दीजिए, मीन का स्क्वायर। ओके अगेन यहाँ पर भी -2 एक्स, हाँ एक्स बार को बाहर रखिए, एक्स बार एक तो कांस्टेंट है, 2x बार को बाहर रखिए, समेशन ऑफ एक्स आई। ओके ये समेशन ऑफ एक्स आई बच्चों, एक्स बार एक तो कांस्टेंट, इसको बाहर रखे। ओके ये समेशन ऑफ, ओके 1। ओके ठीक है, बाय किया द्वारा एन, इसका बच्चों सिंपलीफाई कर रहे हैं हम लोग इसका फॉर्मूला को। ओके तो एक काम करते सभी का बाय एन कर देते हैं, थोड़ा रुकिए, ये भी बाई एन कर दीजिए। ओके ए भी बाई एन कर दीजिए। ओके ये भी बाई एन कर दीजिए। ठीक है तो बच्चों हमारा क्या होता है, ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन बच्चों, समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ 1 अप टू एन टर्म, समेशन ऑफ 1 ये एन का वैल्यू 1 से शुरू अप टू एन, समेशन ऑफ 1 क्या होता है, ये एन होता है, मीन्स ये एन टाइम्स ऐड होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। ओके अब एन टाइम्स ऐड होने से एन बनता है। ठीक है तो बच्चों ये समेशन ऑफ 1 का वैल्यू एन लिखिए। ओके ये समेशन ऑफ 1 एन और ये एन कट जाता है। ओके समेशन 1 बच्चों एन होता है बच्चों, ये एन और ये एन कट जाता है, प्लस कितना होता है ये एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके माइनस बच्चों ये समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन क्या होगा, कौन बोलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन कौन बोलेगा क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन मीन्स द्वारा, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन मीन्स ये एन का वैल्यू, ये आई का वैल्यू 1 से शुरू होता है और एन में एंड होता है। ओके समेशन एक्स आई एन मीन्स ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn बाई एन, ये क्या होता है कौन बोलेगा बच्चों, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये मीन होता है। ओके तो समेशन ऑफ एक्स आई एन के बदले बच्चों क्या लिखिए, आपका मीन लिखिए, ये आपका समेशन ऑफ एक्स आई एन के बदले आपका, ये एक तो मीन था, ये कॉन्स्टेंट है। ओके और ओके बच्चे कांस्टेंट बाहर रहता है, 2x बार बाहर रहेगा, सिर्फ एक्स आई का समेशन होगा और समेशन एक्स आई बाई एन ये आपका मीन होता है बच्चों, बच्चों पता है तो समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन मीन होता है। ओके देन बाई ये द्वारा कितना हो रहा है, देखिए आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू ये फॉर्मूला आपका आ गया, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस ये 2 एक्स बार इंटू एक्स बार माइनस 2 एक्स बार का स्क्वायर प्लस 1 एक्स बार का स्क्वायर, ये एक्स बार का होल स्क्वायर आएगा। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों, ये भी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये लिख दीजिए थोड़ा। ओके अगेन ये भी आपका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाई एन का, और ये माइनस 2 एक्स बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर जाना से इतना, ये आपका फॉर्मूला है जो कि यही फॉर्मूला यूज करेंगे सभी कैलकुलेशन में। अरे बच्चों यही फॉर्मूला यूज करेंगे सभी कैलकुलेशन, तो लिख दिए बच्चों फॉर्मूला। अरे लिख दिए, ये आपको समझ में आया बच्चों, ये समेशन ये कांस्टेंट टर्म इसलिए बाहर रहेगा और 1 का ये समेशन आएगा, ये 2x बार कांस्टेंट टर्म में बाहर आएगा, सिर्फ समेशन ऑफ एक्स आई रहेगा, ये समेशन ऑफ 1 एन होता ये कट जाएगा। ओके और ये आपका क्या है, ये एक तो मीन बनता है। ओके एक्स बार इंटू एक्स बार ये माइनस 2x बार का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर आता है, ये फॉर्मूला लिख दिए बच्चों। अरे ये फॉर्मूला लिखे, यही वाला फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। ओके चलिए इसका ऊपर क्वेश्चन थोड़ा करते हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग का
बैलेंस का ऊपर रहता है क्वेश्चन। क्या क्या सब ऑन हो जा रहा है। तो ये देखिए तो वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहा है। ओके अच्छा देखिए इवन नेचुरल नंबर्स क्या क्या है आपका 2, 4 ओके 52 बोल रहा है 6, 8 ओके लास्ट आपका 100 आएगा बच्चों के बोला तो वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर इसका वेरिएंस निकाल ले। ये आपका डाटा है एक्सरसाइज डाटा है इसका हम वेरिएंस निकाल लें। ओके सो हमारा वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस माइनस क्या था बच्चों मीन का होल स्क्वायर। ओके अगर इसका स्क्वायर रूट करते हैं ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है अच्छा बच्चों हमें समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर चाहिए इसका स्क्वायर चाहिए। ओके इसका स्क्वायर करके सम चाहिए इसको हमें मेरे बच्चों इसका सम चाहिए स्क्वायर करके सम चाहिए। समेशन एक्स आई स्क्वायर का मीनिंग होता है स्क्वायर करके सम चाहिए। ओके तो देखिए पहला हमें एक्स आई स्क्वायर करेंगे। ओके मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके एक का ओके अप टू कितना 100 का स्क्वायर हमें ये चाहिए डाटा का स्क्वायर चाहिए और उसका सम चाहिए। ये आपका समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ओके अच्छा बच्चों ये कितना बन रहा है देखिए अच्छा इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है बच्चों ये इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यस सर एक काम करते होता पहला 2 कॉमन लेके उसका स्क्वायर करते तो अच्छा होता। एक काम करते हैं वही करेंगे सब आपको इजी हो जाएगा। ओके ये 2 कॉमन ले लीजिए कितना आता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू कितना 50 आएगा। ओके अब इसका होल स्क्वायर करते हैं। ओके जब स्क्वायर करेंगे इसका इसका भी स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो देखते हैं क्या हो रहा है। ओके ये 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अब तो ये आपका कितना 100 का स्क्वायर। क्या कॉमन जा सकता है बच्चों सर 2 का स्क्वायर कॉमन जा सकता है सभी में 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे देखते हैं 2 का स्क्वायर कॉमन लेने से कितना हो रहा है ये 1 रहता है और इसमें कितना रहेगा 2 का स्क्वायर रहेगा ना क्या। यस सर 2 का स्क्वायर 4 ओके हाँ राइट राइट ये सही है ये 3 का स्क्वायर और क्या ये 4 का स्क्वायर ठीक है ठीक है तो फिर ये आपका कितना 50 का स्क्वायर ठीक है। बच्चों एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया 11th क्लास में जो बच्चे हैं वो लोग पढ़ा जाएगा जो बच्चे 12th क्लास में ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाया गया था। ओके समेशन ऑफ एन स्क्वायर जो बच्चे नहीं पढ़े थोड़ा देख लीजिए ये समेशन ऑफ एन इसका मीन्स 1 प्लस 2 प्लस ए पी में होगा। ओके 3 प्लस अप टू n इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ये फॉर्मूला आपको याद रखिए। ओके सपोज कोई 50 तक आप ऐड करना है ये 50 इंटू 51 बाई 2 आगा सपोज 1, 2, 3 प्लस 50 तक ऐड करना है 50 प्लस 51 बाई 2 ये नहीं तो एपी में तुम कर सकते हो कुछ बच्चे 10th क्लास में एपी तुम पढ़े हो। ओके समेशन ऑफ एन स्क्वायर मीन दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों बोल सकते हो
इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। बच्चों ये आपका फॉर्मूला, सब कोई 50 स्क्वायर तक ऐड कर रहा है, ये फॉर्मूला आएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, समेशन ऑफ एन क्यूब, समेशन ऑफ एन क्यूब फॉर्मूला लिख लीजिए, मीन्स ये वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अप टू एन क्यूब, ये फॉर्मूला है। पहला का फॉर्मूला का होल स्क्वायर होता है, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होता है। इतना फॉर्मूला लिख दीजिए बच्चों। ओके तो बच्चों हमें समेशन ऑफ एन स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर हमें निकालना है। ओके समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर निकालना है, ये टू का स्क्वायर फोर आएगा, 50 तक आपका एन 50 है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपका एन 50 है। तो देखिए क्या होगा, ये 50 इंटू एन प्लस वन, 51 इंटू टू एन प्लस वन 101। ओके बाय कितना 6, एन है 50 एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ओके कुछ काट कूट करे प्यारे बच्चों, कितना आ रहा था देखिए, ये 2 और गया 3। ये एक चैप्टर है आपका, कैलकुलेशन थोड़ा चाहिए, और कुछ कटेगा ये 3 से, ये कटेगा कितना सर 51, 51 जा 3 और है क्या 221। ओके ये 2 इंटू 50 100 होता है, ये 17 इंटू 101 थोड़ा बोलिए कितना आ रहा है, कितना थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कीजिए, 17 वन जा 17 वन। ओके ओके फिर 17 वन जा 17 17 वन जा 17 सेवन रख के वन 17 जीरो जा जीरो प्लस वन कितना आ रहा है, ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन बच्चों कीजिए, 17 वन जा 17 वन रहा, 17 जीरो जा जीरो प्लस वन 17 रहा, 17 वन जा 17। ओके इतना हो रहा है, तो देखिए थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है, ये समेशन ऑफ क्या आपका एक्स आई स्क्वायर, हमारा जो बैलेंस का जो फॉर्मूला था, बैलेंस का समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय क्या एन, एन कितना ऑब्जर्वेशन है माइनस मीन का होल स्क्वायर, मीन होता पता है, मीन का फॉर्मूला क्या, समेशन एक्स आई बाय एन का होल स्क्वायर। ओके बैलेंस ऑफ 50 इवन नेचुरल नंबर। ओके 52 बच्चों समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर एन आ गया आपका 171700 बाय क्या 50। ओके ये मीन आपका, ये फॉर्मूला समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन, मीन होता है समेशन एक्स आई बाय मीन का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई कितना बोलिए, एक्स आई आपका क्या है ये है, तो समेशन ऑफ एक्स आई बोल रहा है, इसका सम करना है अब 200, टू कॉमन ले लीजिए, इसमें टू कॉमन ले लीजिए, समेशन ऑफ एक्स आई टू कॉमन लेने से आपका वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू 50, ये समेशन ऑफ एक्स आई। ओके मैं मीठा नहीं खाऊंगा, ये देखो ये हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ओके समेशन ऑफ 50 क्या आएगा, ये 50 इंटू 51 बाई टू कितना आ रहा है देखो, ये 22 तो कट जा रहा है, ये 0 5 वन जा 5 5 5 जा 25, ये 22 कट जा रहा है, 0 5 वन जा 5 5 5 जा 2 5 5 0 बच्चों ये आया आपका 2550 बाई 50 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा चाहिए आप लोग का, ये कट जाएगा 0 1717 बाई 5 माइनस, ओके ये काट दीजिए, ये 5 5 जो 25
5 1 जा 5 ओके 5 5 जा 25 ओके इसका होल स्क्वायर ओके बच्चों कितना हो रहा है थोड़ा देख लीजिए तेरे बच्चों थोड़ा कैलकुलेटर से थोड़ा देख लीजिए कितना आ रहा है 5 2 जा 10 5 3 जा 15 हाँ बोलिए सर उधर एक और जीरो होगा सर हाँ सॉरी हाँ ये कितना आ रहा है देखो 5 3 जा 15 और आ कितना 2 21 5 4 जा 20 1 17 5 3 जा 15 टू हाँ माइनस 51 का स्क्वायर बोलो फिफ्टी वन का स्क्वायर 2601 है तो देखो तो यस सर देखो कितना आ रहा है आपका 4 -1 3 थ्री अगेन 4 14 -6 8 8 3 3 देखो अरे बच्चों 8 3 3 8 3 3 तो है ओके सही है तो देखो ओके कैलकुलेशन सही है तो यस सर तो आपका सेकंड आंसर है ओके ये चैप्टर थोड़ा इजी है इतना कुछ ये नहीं करना है ओके ये वेरिएंस का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ओके समेशन एक्स स्क्वायर बाई माइनस मीन का होल स्क्वायर ओके मीन होता है ये समेशन एक्स आई बाई एन ओके ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बच्चे 11th बच्चे हैं द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 2, 3, A and 11 इज 3.5 ओके यहाँ पर आपका दे दिया है एक्स आई डाटा दे दिया है ओके ये डाटा जो है एक्स आई का डाटा आपका क्या क्या है 2, 3, A और क्या 11 और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5 है ओके देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो ए का बेस्ड एक तो इक्वेशन आएगा कौन सा इक्वेशन उसमें सही है ओके तो क्वेश्चन थोड़ा बच्चों क्वेश्चन थोड़ा ये रहता है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही रहता है ओके तो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी बच्चों में फॉर्मूला बोला ओके ओके तो बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर कौन आसीबो कि नंबर एंटी कौन आसीबो ये मीन का होल स्क्वायर बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ओके ठीक है देखो तो तुम्हारा ये कितना आता है समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर ये एक्स आई स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये कितना आ रहा देखो मेरे बच्चों ये कितना आ रहा 2 का स्क्वायर कितना 4 + 9 + A² + 11 का स्क्वायर 121 टोटल कितना आ रहा देखो मेरे बच्चों कितना आ रहा है 121 + 4 कितना 120 ऐड कर दीजिए बच्चों 1.5 प्लस 9 कितना आ रहा टोटल ये 9 4 13 14 ओके 1 ओके ये 3 134 आ रहा तो फिर बच्चो 9 4 10 14 1 ओके यस सर 134 ओके देखिए 134 प्लस कितना ए स्क्वायर तो देखिए और इसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों दे दिया 3.5 ये 3.5 और ये रूट इधर ले आओ स्क्वायर कर दो रूट इधर लाके स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर कर दो ओके और ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 134 प्लस ए स्क्वायर ओके अच्छा कितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है बच्चों ओके अच्छा इसका मीन निकालना है मीन कैसा आएगा बच्चों इसका मीन आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन
बाई कितना एन, इसका मीन आएगा बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई एन, ये कितना आ रहा है देखो बच्चों 16 प्लस ए प्लस 16 बाई फोर, ओके 16 प्लस ए बाई फोर, ओके 16 प्लस ए बाई फोर का होल स्क्वायर, ये मीन का होल स्क्वायर, ये रूट इधर लेके स्क्वायर कर दे बच्चों, हमें यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा बच्चों, इस टाइप का एक इक्वेशन बनेगा, ओके तो देखिए कौन सा इस टाइप का इक्वेशन बन रहा है, ये 7 बाई टू कर ले रहा हूँ, आगे देन ये तुम्हारा बच्चों ये 134 प्लस ए स्क्वायर बाई फोर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके बाय कितना 4 का स्क्वायर 16, ये 49 बाय कितना 4, 49 बाय 4 ये कितना आ रहा देखो एलसीएम आपका 16, बच्चे एक इक्वेशन बनेगा, ओके ये डिवाइड करो 4, 4 4 जा 16 1, 4 3 जा 12 1 13 1, 4 1 जा 4 1 5, ठीक है तो 4 4 जा 16 1, 4 3 जा 12 एक 13 1, ठीक है बच्चों थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ बोलो क्या हुआ, ठीक है तो यस सर ठीक, माइनस ए स्क्वायर माइनस 32 है, ओके तो बच्चों कितना आ रहा है थोड़ा देखिए, ये 16 इंटू कर दीजिए, डिवाइड 16 इंटू कर दीजिए, ये आपका ए स्क्वायर, दो ठो ए स्क्वायर है क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है, वो 4 ए स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर होगा हाँ, ओके ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, ओके देन ये माइनस 32 है, ओके 4 ए स्क्वायर माइनस 32 है, यहाँ से आप लोग थोड़ा ये कर सकते, डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं आप, ओके 4 ए स्क्वायर 32 सॉरी 3 ए स्क्वायर माइनस 32 है, किस में है देखिए 3 ए स्क्वायर माइनस 32 है, 3 ए स्क्वायर माइनस 32 इसमें है ऑप्शन वन में, यहीं पर आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, पूरा नहीं तो कर लेते कोई बात, ओके तो कितना आ रहा है बच्चों डिवाइड 16 तो इंटू 16 कर दिए 536, 536 माइनस 256 कितना आ रहा है बोलो 80, 0 तेरह में 5 जन 60 8 280 है क्या, और अब 4 में 280, अरे 280 तो प्लस, यस सर उसके बाद देखो ये 4 ये कर लो, ओके 4 9 जा 36 3 4 4 16 3 4 9 जा 36 3 4 4 जा 16 प्लस 3, ओके ये 3 ए स्क्वायर माइनस 32 ए प्लस 280, ओके अगेन देखिए 3 ए स्क्वायर माइनस 32 ए ये प्लस 280 माइनस 196 कितना आ रहा है देखो, कह रहे बच्चों 10 में 6 जन से 4 और 7 17 में 9 जन 60, देखिए 3 ए स्क्वायर माइनस 32 ए प्लस 84 तो आपका ऑप्शन वन, ठीक है बच्चों ये समझ गए, सिर्फ यही फॉर्मूला सिर्फ यूज हो रहा है यही फॉर्मूला, अगर यही फॉर्मूला आपका आ जाता है तो आप लोग का 4 मार्क रिजर्व है, ओके ये आपका सीबीआई ये जेई मेन कौन सा सेट में था, शायद 2016 में था, ओके टू थाउजेंड 13 और अभी थोड़ा और दो क्वेश्चन करते हैं और बाकी सभी आप लोगों को छोड़ा जा रहा है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इसे भी यूट्यूब में सभी बहुत सारा इस टाइप का अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं,
ओके आप लोग पहला जब भी करना है बूलियन अलजेब्रा करना है मैथ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 2000 का 13 क्वेश्चन है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म ऑल स्टूडेंट्स इन ए क्लास परफॉर्म पोली इन मैथमेटिक्स, ओके द टीचर डिसाइड टू गिव ए ग्रेड ऑफ 10 ई स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को 10 देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर डू नॉट चेंज। तो बच्चों कोई भी एक तो कांस्टेंट ये करते हैं और सभी को अगर सेम अगर ये करते हैं तो हमारा वेरिएंस कभी चेंज नहीं होता। बच्चों आपको याद रखना है वेरिएंस कभी चेंज नहीं होता है। ओके हर स्टूडेंट को 10 अगर एवरी स्टूडेंट को दिया जा रहा है, ओके कांस्टेंट मार्क्स अगर चेंज किया जा रहा है, कांस्टेंट मार्क्स सब 10 में सभी ये में चेंज के सभी का 10 चेंज किया जाता है तो वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। विच ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ओके डूज नॉट वेरी दैट इज योर वेरिएंस, ऑप्शन 3 आएगा बच्चों। ओके 35 आपका ऑप्शन। ओके इसी बेस्ट पे और भी क्वेश्चन करते हैं बच्चों, यहाँ पर उसका ये दिया भी है, प्रैक्टिस से दिया है तो वेरिएंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके तो नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन वही उसी तरफ पर रिलेटेड है। कोई भी अगर डाटा का ये होता है इसका वेरिएंस का कोई ये नहीं होता, कॉन्स्टेंट टर्म अगर ये किया जाता है तो उसी रिलेटेड है कि देन वो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ कर निकालना है बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला है बच्चों क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय कितना एन माइनस कितना मीन का होल स्क्वायर। मीन को भी ऐसे भी लिख सकते हो, मीन को ऐसे भी लिख सकते हो समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन इसको मीन कहते हैं। ओके इसका होल स्क्वायर ऐसे भी कह सकते हो। ओके ये आपका क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो बच्चों ये गिवन है हमें 9 आइटम्स का, मींस यहाँ पर एन जो है 9 है, यहाँ पर एन जो है 9 है। ओके 9 आइटम्स का आपका क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों। ओके तो बच्चों क्या होता है ना, कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म्स अगर चेंज होता है तो वेरिएंस का कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके ये बात याद रखना है, कहीं पर भी कोई कांस्टेंट इसमें भी 5 उसमें भी 5 अगर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हर बच्चों को 10 मार्क ग्रेस दिया गया तो वेरिएंस का कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर वही कर सकते हो कि यहाँ पर 5 ये है, ये आपका समेशन ऑफ एक्स आई है, ये आपका समेशन एस, हाँ इसमें 5 अगर ये कर लेते हो तो उसका वैल्यू का कोई चेंज नहीं होता बच्चों। ओके इसमें 5 अगर इसमें भी 5 इसमें भी 5 अगर ये चेंज हो रहा है तो उसका वैल्यू का कोई चीज है तो ये वही वैल्यू आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है या चेंज किया जाता है तो वेरिएंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वही सेम वैल्यू आएगा 45, समेशन में एक्स का ये 45 आएगा बच्चों आपका। ओके ये 45 आएगा, समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, कोई भी कांस्टेंट डाटा चेंज होता है तो वेरिएंस का वैल्यू चेंज नहीं होता, वही वैल्यू रहता है। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 और ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर भी सेम थिंग बच्चों। ओके ये इसका ये 9 आएगा बच्चों क्योंकि इसका सेम इधर भी 5 इधर 5 इसका भी अगर ये करोगे वही 9 ही आएगा, ये 9। ओके ओके ये 9 बाई कितना ये आपका समेशन ऑफ एक्स आई, ये 9 बाय कितना देन बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है थोड़ा देखो, थोड़ा मेरे बच्चों इसका आंसर कितना आ रहा है,
सोचो ये क्या था। ये आपका समेशन में इसका जो करोगे वही सेम वैल्यू आ गया। वेरियंस में क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म अगर ये सबट्रैक्ट होता है या चेंज होता है तो वही सेम वैल्यू आएगा। इसका समेशन में एक्सपायर 45/9 आएगा। ओके अगेन ये तुम्हारा भी सेम आएगा, इसका भी चेंज है, ये भी समेशन एक्स आई, ये भी 9 आएगा। इसका क्या होल स्क्वायर है, ठीक है। देन तुम्हारा ये कितना आ रहा है, ये 45 - 9 माइनस ये कितना, आंसर 2 है। इतना सॉल्व करो तो बच्चों कितना आ रहा है, वो 1 का स्क्वायर 1 कर दीजिए। ओके ये आपका कितना जाएगा, 9 5 जाओगे, ये 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 आंसर। ओके तो कहीं पर अगर वेरिएंस का कुछ भी चेंज होता है तो उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ओके तो ये आपका ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, ये आपका 45 रखेंगे और ये आपका समेशन ऑफ एक्स आई आपका 9 रखेंगे। ओके वेरिएंस में कोई सेम वैल्यू देता है। ओके ये आपका ऑप्शन 2 आएगा बच्चों के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बच्चों और एक